नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, ये मुकाबला मेरे लिए सबसे खास खास है। मेरे जो पीपीटी बनाते हैं ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इधर किसको रखूं भाई मुंबई इंडियंस साइड से। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, हमारे कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। मैं मुंबई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं रोहित शर्मा का फैन हूं। और मैंने इस वजह से मेरे लिए खुद भी अभी मानना टफ हो रहा है कि मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, जिस टीम को लेकर हम बात करेंगे, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा। एक तरफ होंगे शुभम गिल और एक तरफ होंगे इनके ही टीम के पुराने कैप्टन हार्दिक पांड्या। पता नहीं भैया अंबानी साहब को क्या दिखा, मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को ड्रॉप करके हार्दिक पांड्या साहब को कैप्टन बनाया जाता है। इसके पीछे स्टोरी ये था, हार्दिक पांड्या ने सिंपली कहा था कि अगर मैं गुजरात टाइटन से हटूंगा, आपके टीम में आऊंगा, तो मुझे कैप्टन बनाओगे तभी। सिंपल सी बात है, उनका भी कहना जायज था। एक बार फाइनल जीताना, एक बार फाइनल में जाके हार जाना, ऑलमोस्ट वो भी मुकाबला जीत गए थे, 2 बॉल में 10 रन था, मोहित शर्मा के बॉल पे जडेजा ने मार दिया था। लेकिन इसका मतलब ये कति है भाई, आप किसको कैप्टन से ड्रॉप क्यों, जो इंडिया का कैप्टन है वो तो रोहित शर्मा को मैं समझता हूँ दरिया दिल, कि इन्होंने उस चीज को लेकर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मुझे कैप्टन से क्यों ड्रॉप किया गया, मैंने मुंबई इंडियंस के लिए क्या नहीं किया। वैसे इतने बार चैंपियन अगर आरसीबी को बना देता कोई आदमी, चाहे वो किंग कोहली हो, प्लेसिस हो, कोई भी हो, तो वैसे उनको पूछते उनके जो ऑनर थे। लेकिन पता नहीं मुंबई इंडियंस के ऑनर को क्या लगा, बट कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा, जिस वेन्यू के ऊपर मुकाबला खेला जाएगा वो होगा जीती का होम ग्राउंड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर हम बारीकी से बात करेंगे। सब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है शुभम गिल की टीम कमजोर बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि कमजोर भले ही हो, लेकिन होम ग्राउंड इनके फेवर में है और इस पिच पे शुभम गिल का लाजवाब स्टेट्स है। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद, हमारी टीम में अगर कुछ बदल होती है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब हम आइए वेन्यू को लेके बात करते हैं, साथ में कुछ स्टेट्स को लेके भी। उससे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप मुंबई इंडियंस के कैप्टन किसको देखना चाहते थे, रोहित शर्मा को या हार्दिक पांड्या को, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा प्लीज। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनली चाहता था कि रोहित शर्मा कैप्टन रहे, लेकिन आपका इसको लेकर क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगर हम एवरेज स्कोर को लेके बात कर लेंगे, 150 से 160 के बीच होता है, हाईएस्ट टोटल 234 है, लोएस्ट टोटल 66 है। वेन्यू T20 स्टैट्स को लेके बात कर लेंगे, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 जीती है 34 मुकाबला में, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 मुकाबला विन की है। T20 स्कोरिंग पैटर्न को लेके बात करेंगे, बिलो स्कोर 150 बने 8 टाइम्स, बिटवीन 150 टू 169 बने 8 टाइम्स, बिटवीन 170 टू 189 बने 9 टाइम्स, अबव 190 बने 9 टाइम्स। रिसेंट मैच जो इस वेन्यू के ऊपर खेले गए उसको लेके बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट मुकाबला खेला गया था 28 मई 2023 को और वो था फाइनल मुकाबला। आई थिंक नहीं फाइनल से पहले वाला कोई मैच था क्या, जीटी जहां पे 214 किए थे 20 ओवर में। हाँ, ये तो फाइनल से पहले वाला मुकाबला है। जीटी 214 रन 4 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, सीएसके 171 रन 5 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 3 स्पिनर 2 विकेट। फिर अगर बात कर लेंगे 26 मई 2023 को, जहां पे जीटी पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगा दी थी 233, मुंबई इंडियंस 171, 20 ओवर में फर्स्ट इनिंग पेसर 1 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 8 स्पिनर 2 विकेट। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था 15 मई को, वहां पे जीटी फिर बल्लेबाजी करते 188 लगाई थी, एसआरएच 154, फर्स्ट इनिंग पेसर 8 स्पिनर 0, सेकंड इनिंग पेसर 9 स्पिनर 0 विकेट। पेस वर्सेस स्पिन अगर हम बात करेंगे लास्ट के 4 T20 में, तो भैया पेसर्स को मिले 39 विकेट, स्पिनर के खाते में गए सिर्फ 8 विकेट, वो भी राशिद खान के वजह से। हेड टू हेड को लेकर बात करेंगे, दोनों टीम आमने सामने आई है 4 दफा, जहां पे 2 बार जीती है अपनी गुजरात, 2 बार जीती है अपनी यहाँ पे मुंबई इंडियंस। ये बात कौन कहेंगे, हार्दिक पांड्या। अगर हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स के लास्ट 5 मैच को लेके, लॉस विन विन करके आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस को लेके, लॉस विन करके आ रही है। अब आइए हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। आपको दिख जाएंगे शुभमन गिल, देन आफ्टर यहाँ पे साई सुदर्शन, इग्नोर मत करना, फाइनल सेंचुरियन है, लगातार डोमेस्टिक में खूब रन बटोर के आ रहे हैं। उसके अलावा वन डाउन कंसिस्टेंस
केन विलियमसन, फिर विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, देन आफ्टर डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमर जय, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किचोर और मोहित शर्मा। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इनके कोच का, नेहरा साहब का, तो वो कह रहे थे राहुल तेवतिया इस सीजन बॉलिंग कर सकते हैं। ओवरऑल गेंदबाजी में बात कर लेंगे, मोहित पाजी 4 ओवर, उसके अलावा साई किशोर अगर खेलते हैं तो 4 ओवर, देन आफ्टर राशिद खान 4 ओवर। उसके अलावा यहाँ से अगर हम बात कर लेंगे तो आप राहुल तेवतिया का भी 3 से 4 ओवर देख सकते हो। उसके बाद अजमतुल्ला उमर जय 4 ओवर। उसके बाद अगर इनमें से किसी का पिटाई होता है तो विजय शंकर के खाते में भी 1-2 ओवर जा सकते हैं। उसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर जो आएंगे वो भी आके 3-4 ओवर डाल सकते हैं। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे प्रिंस शुभम गिल का देखिएगा, इस वेन्यू के ऊपर 13 मुकाबला खेले हैं, 795 रन, ऑलमोस्ट 80 का बैटिंग एवरेज। अगर बात कर लेंगे एमआई के साथ, 11 मुकाबला खेले, 409 रन, 37 का बैटिंग एवरेज। रिसेंटली 110, 38, 52 पे नंबर 0, 91, 34, ये टेस्ट का इनका मैच में जो रिसेंटली इंग्लैंड के साथ खेल कर रहे हैं उनका स्टेट्स है। साई सुदर्शन हेड टू हेड 2 मैच में 97 रन, वेन्यू पे 6 मैच में 214 रन, 46 का एवरेज है, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। उसके अलावा 200 समथिंग है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली 0-5-7, 117, 0-97, 1 केन विलियमसन हेड टू हेड 8 मैच में 104 रन, 17 का एवरेज, लेकिन ये उससे कहीं ऊपर के बल्लेबाज हैं। वेन्यू पे 1 मैच डू नॉट, यहाँ पे जो है बैटिंग ही नहीं आया। रिसेंटली 17-51, 0-9, 43, 133 और 118। स्पेशली ये जो विकेट है ना, यहाँ पे केन विलियमसन लाजवाब खेल जाएंगे। बॉन्डी डायमंडसन थोड़ी सी बड़ा है, आप यहाँ पे आराम से डबल टीपर ले सकते हो और वही काम करने वाले हैं केन विलियमसन। देन आफ्टर आपको दिखेंगे विजय शंकर हेड टू हेड 10 मैच में 152 रन, 2 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 115 रन, 38 का एवरेज, रिसेंटली 44-24, 18, 130, 6, 60 रन, 0 विकेट। रिद्धिमान साहा हेड टू हेड 22 मैच में 434 रन, 31 का एवरेज, वेन्यू पे 14 मैच में 246 रन, 18 का एवरेज, रिसेंटली 1-5, 66, 59, 8, 28। डेविड मिलर हेड टू हेड 17 मैच में 40 का एवरेज है, 364 रन है, वेन्यू पे 10 मैच में 41 का एवरेज, 208 रन, रिसेंटली 8 पे नवाद 22 पे नवाद 17 47 11 13। इनके साथ यही लोचा है, प्लेयर लाजवाब है और कैचिंग पोजीशन पे भी होंगे, फील्डिंग से बन देंगे, लेकिन कितने बॉल खेलेंगे ये कहना मुश्किल है। एक बेहतरीन मैं खोज मानता हूं अजमतुल्ला उमर जय को, इनका देखिएगा रिसेंटली 3 रन 4 विकेट 0 विकेट 0 रन 1 विकेट 4 रन 0 विकेट 19 रन 2 विकेट 0 विकेट। आईपीएल में डेब्यू करने वाले हैं हमारे प्यारे सबके फेवरेट में से एक राहुल तेवतिया, हेड टू हेड 11 मैच में 63 रन 4 विकेट, वेन्यू पे 13 मैच 69 रन 1 विकेट, रिसेंटली 59 रन 1 विकेट 20 रन 0 विकेट 144 रन 1 विकेट 31 रन 4 विकेट। राशिद करामती खान हेड टू हेड 14 मैच में 107 रन 20 विकेट, वेन्यू पे 10 मैच में 14 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 14 रन 2 विकेट 35 रन 2 विकेट और 0 विकेट। उसके बाद आपको दिखेंगे साई किशोर, वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 21 रन 6 विकेट 5 विकेट 60 रन 4 विकेट 2 विकेट 20 रन 4 विकेट 3 विकेट, ये इनका रणजी ट्रॉफी का प्रदर्शन है। मोहित शर्मा हेड टू हेड 19 मैच में 31 विकेट, पहले गेंदबाजी में आपके लिए अच्छे बैकेबल पिक हो जाएंगे। वेन्यू पर 9 मैच में 20 विकेट, ध्यान रखिएगा इतने तगड़े स्टेट्स किसका मिलेगा, रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 5 विकेट और 2 विकेट। अब हम बात करते हैं इनके साइड से स्टार्टिंग ओवर कौन डालेंगे, तो अजमतुल्ला उमर जय, साई किशोर और मोहित शर्मा। डेथ को लेकर बात कर लेंगे, अजमतुल्ला उमर जय, राशिद खान और मोहित शर्मा। अगर हम बात करेंगे इनके इंपैक्ट प्लेयर में कौन आ सकते हैं, मेरे ख्याल से या तो शाहरुख खान या फिर अभिनव मनोहर, चांसेस शाहरुख खान के अच्छे खासे हैं। शाहरुख खान का हेड टू हेड 4 मैच में 15 रन, वेन्यू पे 6 मैच में 25 का एवरेज है, 75 रन, रिसेंटली 13, 0 रन 0 विकेट 31, 9 पे नवाद 9 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट। अभिनव मनोहर 2 मैच में 44 के हेड टू हेड में, वेन्यू पे 5 मैच में 109 रन है, 27 का बैटिंग एवरेज है, रिसेंटली 1-14, 3-40, 13-44 पे नवाद 1-2। नूर अहमद 3 मैच में 3 विकेट लिए हेड टू हेड, वेन्यू पे 7 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 9 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। उसके अलावा मैथ्यू वेड आई थिंक अनअवेलेबल है। उसके अलावा जॉर्ज लिटिल 2 मैच में 1 विकेट लिए, वेन्यू पे 6 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। अगर आपको मैथ्यू वेड का स्टैट्स देखना सामने देख सकते हो। अब आइए मैचअप्स को लेकर बात कर लेते हैं। शुभम गिल को लेकर बात करें, आकाश मधवाल का खेले 18 बॉल, रन किए 32 आउट 2 अटेम्प्ट्स, रोमारियो सेफर्ड का खेले हैं 8 बॉल, रन किए 12 आउट 1 अटेम्प्ट्स, बुमराह का खेले हैं 23 बॉल, रन किए 32 आउट 1 अटेम्प्ट्स, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या खेले 41 बॉल, रन किए 65 आउट 1 अटेम्प्ट्स, बुमराह का खेले 59 बॉल, रन किए 66 आउट 1 अटेम्प्ट्स। उसके अलावा रिद्धिमान साहा चावला का खेले 61 बॉल, रन किए 100 आउट 4 अटेम्प्ट्स, मधवाल का खेले 3 बॉल, रन किए 4 आउट 1 अटेम्प्ट्स, विजय शंकर
चावला का खेले हैं 15 बॉल रन किए 18 आउट हुए, 2 टाइम्स बुमराह का खेले हैं 20 बॉल रन किए 20 आउट हुए 1 टाइम्स। ध्यान रखिएगा पिछले सीजन का खोज देखो आकाश मधवाल, यहाँ पे आकाश मधवाल ध्यान रखिएगा आपके लिए मिनी जीएल में ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। अब भाई हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है मुंबई इंडियंस का, तो आपको दिख जाएंगे रो सुपर हिट शर्मा के साथ ईशान किशन, देन आफ्टर वन डाउन तिलक शर्मा ने तिलक वर्मा, उसके अलावा हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, निहाल वदेरा, नबी सहब आपको दिख जाएंगे फाइनली मुंबई इंडियंस में, फिर रोमारियो सेफर्ड, बुमराह, एन तुषारा और आकाश मधवाल। ध्यान रखिए गेंदबाजी में बात कर लेंगे आकाश 4 ओवर, एन तुषारा 4 ओवर, उसके अलावा बुमराह 4 ओवर, देन आफ्टर यहाँ पे रोमारियो सेफर्ड 4 ओवर, उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो आपको दिख जाएंगे नबी सहब डालते हुए 4 ओवर। इनमें से किसी का दिन बुरा होगा तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे कौन, पीयूष चावला, अगर वो आते हैं तो वो भी आके 3-4 ओवर डाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करेंगे रोहित शर्मा 4 मैच खेले हैं हिट टू हिट 82 रन 20 का एवरेज है, वेन्यू पे 13 मैच में 274 रन 22 का एवरेज है, रिसेंटली 103 255 131 1914। हाँ एक प्लेयर का नाम ध्यान रखिएगा जो आपको जीटी की साइड से दिखेंगे स्पेंसर जॉनसन, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ है, अगर मुझे उनको लेकर कुछ लेट न्यूज निकल के सामने आती है तो मैं आपको बता दूंगा, और वो मेरे लिए इस मैच में तुरुप के साबित होने वाले हैं, और मुझे लग रहा है अगर वो खेलिए तो मैं शर्मा जी को ड्रॉप कर दूंगा। रीजन, इनको लेफ्ट आर्म स्विमर के सामने प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो हो सामने से ट्रेंट बोल्ट, चाहे वो हो ओबेड मकवाय या फिर स्पेंसर जॉनसन, उसमें नया ऐड होने वाले हैं। इनका देखिएगा वेन्यू पर 13 मैच में 274 रन 22 का एवरेज, रिसेंटली 103 255 131 1914। ईशान किशन हेड टू हेड 4 मैच में 89 रन 29 का एवरेज, वेन्यू पे 5 मैच 74 रन 18 का एवरेज, रिसेंटली 0 52 58 47 0 31। तिलक वर्मा हेड टू हेड 3 मैच 66 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 45 रन, रिसेंटली 44 रन लेके विकेट, 64 रन लेके विकेट, 101 रन 3 विकेट, 22 रन और 46 रन। उसके बाद आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या, हेड टू हेड को लेके बात करें भाई साहब क्या बताएं, हेड टू हेड एक्स कहते हैं ना, आपको अगर मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड हो ठीक है, वो आपको छोड़ के कहीं और चले जाए, फिर से वो आपके सामने आ जाए तो कैसा फील होगा, वही फील होने वाला है गुजरात टाइटंस को भाई। उनको जो है हार्दिक पांड्या ने बनाया सब कुछ, जब वो कुछ भी नहीं थे वहां से उठा दिया उनको, और उठाने के बाद तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे भाई, कैसे आप वहां से चलेगे पता नहीं, इनको रहना चाहिए था वहां यार। वेन्यू पर देखिएगा 16 मैच में 340 रन 34 का एवरेज, 12 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट 3 विकेट, टीम टीम आता डेविड, हेड टू हेड 4 मैच में 51 रन, वेन्यू पर 2 मैच में 2 रन, रिसेंटली 8-17 31 पे नबाद 29-41। निहाल वदेरा हेड टू हेड 3 मैच में 59 रन, वेन्यू पर 2 मैच में 44 रन, रिसेंटली 43-109 रन 0 विकेट, 16-17 0 49 रन। ध्यान रखिएगा सूर्य कुमार यादव आपने नहीं देखा होगा, उनका चल रहा है इंजरी कंसर्न्स। फिर आप देखोगे मोहम्मद नबी रिसेंटली 6 रन 0 विकेट 59 रन 1 विकेट 25 रन 0 विकेट 48 रन 5 विकेट 40 रन 0 विकेट। जब जब सामने लेफ्टी आएंगे चाहे वो हो हमारे सुदर्शन, उनको परेशान करेंगे नबी, चाहे वो हो तेवतिया चाहे वो हो मिलर, सबके सामने आएंगे मोहम्मद नबी। रोमारियो सेफर्ड बेहतरीन T20 के प्लेयर, रिसेंटली 11 रन की विकेट 10 रन की विकेट 3 रन 0 विकेट 66 रन 3 विकेट। इनका क्या लोचा है पता है, अगर ये 4 ओवर कर लेंगे तो 40 तो कम से कम देना है, लेकिन 2-3 विकेट लेकर चले जाएंगे, जोत पड़ी तो 25-30 बैटिंग से भी कर देंगे। बुमराह साहब हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 26 रन 1 विकेट 6 विकेट और 3 विकेट। उसके बाद आपको दिखेंगे मलिंगा के अवतार में न्यू प्लेयर एन तुषाराम, रिसेंटली 5 विकेट, और ये 5 विकेट में हमारे पास थे बांग्लादेश के साथ हैट्रिक लिए थे, किस किस भाई को याद है, किसी ने नहीं लिया था, हमने लिया था, क्लीन स्वीप किए थे। उसके अलावा 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। आकाश मधवाल हेड टू हेड 2 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 0 विकेट 16 रन 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 16 रन 2 विकेट। अब आइए हम देखते हैं स्टार्टिंग एंड डेथ बॉलर कौन डालेंगे मुंबई इंडियंस के साइड से। आपको दिख जाएंगे रोमारियो सेफर्ड, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या नया बॉल डालते हुए, डेथ में जसप्रीत बुमराह, एन तुषारा, आकाश मधवाल। हाँ ध्यान रखिएगा ऐसा भी हो सकता है नबी को नया बॉल दे दिया जाए सुदर्शन के सामने। अगर हम बात करेंगे बेंच पे तो आपको दिख जाएंगे विष्णु विनोद 2 मैच में 35 रन किए हैं, वेन्यू पे 1 मैच में 5 रन किए हुए हैं, उसके अलावा रिसेंटली 40-24 0-6 29-6 29। इनका रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लाजवाब गया था। पीयूष चावला हेड टू हेड 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 18 रन 3 विकेट, रिसेंटली 10 विकेट 3 विकेट 11 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, ये इनका रणजी ट्रॉफी का है। अर्जुन तेंदुलकर हेड टू हेड 1 मैच 13 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 13 रन 1 विकेट, रिसेंटली 45 रन 4 विकेट 14 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट 8 रन 0 विकेट।
23 रन 18 रन 52 रन, उसके अलावा 18 रन एक ही विकेट था। दिवाल्ड ब्रेविस हेड टू हेड नहीं खेले, वेनी भी नहीं खेले। रिसेंटली आपने इनको देखा होगा कहाँ पे, अभी साउथ अफ्रीका में T20 चल रहा है, CSA T20, वहाँ पे 50 रन 14 रन एक विकेट 3 ओवर में, 29 28 15 रन 0 विकेट 4 विकेट। जी क्वेटजे एक नई खोज मैं मानता हूँ, ऐसा हो सकता है ये टीम तुषारा के जगह पे जी क्वेटजे को प्लेइंग 11 जगह दे दे। हेड टू हेड का स्टैट्स नहीं है, वेन्यू पे मतलब खेले ही नहीं है, वेन्यू पे नहीं खेले। रिसेंटली एक विकेट 19 रन 0 विकेट, 12 रन एक विकेट, 21 रन 4 विकेट और 3 विकेट। अब यहां से हम ध्यान से देखेंगे मैचअप्स, रोहित शर्मा को लेकर बात कर लेंगे। उमेश का खेले हैं 108 बॉल रन के 152 आउट हुए 5 टाइम्स, राशिद का खेले 26 बॉल रन के 29 आउट हुए 4 टाइम्स, मोहित का खेले हैं 59 बॉल रन के 79 आउट हुए 1 टाइम्स, राशिद करामती खान का जो है हार्दिक पांड्या खेले हैं 37 बॉल रन के 27 आउट हुए 2 टाइम्स, उसके अलावा रोहित शर्मा का खेले हैं 2 बॉल रन किए 1 आउट हुए 1। भाई जितना आप IPL को लेकर सिंसियर रहते हो उतना थोड़ा सा देश को लेकर भी रहो, IPL खेलने टाइम बिल्कुल फिट हो जाते हो देश के लिए, आज वहाँ घूम रहे कल वहाँ घूम रहे क्या यार। ईशान किशन का देखिएगा, इनका भी वैसे सत्संग कहते ना, सत्संग जैसा रहेगा वैसा ही आप भी सीखते जाओगे, बिहार के स्टार प्लेयर में से एक हो यार। उमेश यादव का खेले 12 बॉल रन किए 14 आउट हुए 1 टाइम्स, राशिद का 64 बॉल खेले रन 76 किए आउट हुए 2 टाइम्स, ध्यान रखिएगा इनके पास बूस्टअप होगा, विकेट कीपर से भी पॉइंट आपको अच्छे खासे देंगे। तिलक वर्मा बेहतरीन प्लेयर, राशिद खान का खेले 10 बॉल रन किए 12 आउट हुए 2 टाइम्स, अजमतुल्ला उमर जय का 3 बॉल खेले रन किए 5 आउट हुए 1 टाइम्स। अब दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया है जहां पे हम फाइनल टीम को लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा टॉस के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना है। विकेट कीपर से बात करेंगे तो मैंने अपनी टीम में मौका दिया ईशान किशन को, फिर बैटिंग से रोहित शर्मा को मैंने लिया। अब देखिएगा एक बात, अगर स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो मैं शर्मा जी को ड्रॉप कर दूंगा, अगर ये नहीं खेलेंगे तो मैं शर्मा जी को लूंगा और हो सकता है कैप्टन वीसी भी इनको दे दूं। फिर मैंने केन विलियमसन को लिया हुआ है, शुभम गिल को लिया हुआ है, देन आफ्टर तिलक वर्मा को लिया, शर्मा जी को लिया, वर्मा जी को लिया है, देन आफ्टर नबी को मैंने लिया है जी, मुझे पता है इनका ज्यादा यूटिलाइज यहाँ पे होगा नहीं, सामने लेफ्टी है 3-3 अगर आप देखोगे 5-6 बल्लेबाज में, इस वजह से मैंने यहाँ इनको बैक किया है, प्लस जरूरत पड़ी तो बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दे देंगे। उसके अलावा हमारी टीम में होंगे हार्दिक पांड्या, बुमराह, राशिद खान, स्पेंसर जॉनसन, जी क्वेटजे, इनमें से मैं किसी एक को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज ले सकता हूं। यहां पे कैप्टन वीसी को लेके बात कर लें तो मेरे पास कैप्टन वीसी के 5 यहां पे जो है ना वो मेरे अंदर में आ रहे थे फील, कि इन 5 में से 2 को कैप्टन वीसी देते हैं। कौन कौन? पहला नाम आ रहा था इस पिच के बॉस, कौन? शुभम गिल। इस पिच पे पके हुए, सबको पकाए हुए प्लेयर में से एक हार्दिक पांड्या, दूसरी मेरी फीलिंग आ रही थी, तीसरी ईशान किशन, इस वजह से कि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको बूस्टअप देंगे, बॉलिंग नहीं भाई विकेट कीपर। अब तो मुझे ऐसा शब्द मैंने बोल दी ना कि दुनिया के कुछ एक्सपर्ट यही क्लिप उठा लेंगे डाल देंगे, देखो भाई प्रेडिक्शन आ क्या बोल दिया भाई। देखो सिंपल सी बात है, बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे, स्लिप ऑफ जो है ना वो हो जाता है कभी कभी, टंग कुछ यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ भी इशू बन जाएगा। ठीक है तो ये हो गया आपका 3। चौथा अगर हम बात कर लेंगे तो मुझे लगता है केन विलियमसन के अकॉर्डिंग ये पिच होगा, तो चौथा ये हो जाएंगे। पांचवा हमारे दिल के, अपनी एक कहते हैं ना कि दूसरे कंट्री के होने के बावजूद भी हमारे दिल के जो सबसे करीब में से एक होते हैं राशिद करामती खान, ये 5 में से आप किसी 2 को कैप्टन वीसी देके जा सकते हो। मैंने फिलहाल कैप्टन दिए पांड्या साहब को, वीसी मैंने दिए शुभम गिल को। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद के बाद रुको एक सेकंड, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते भाई, पहले मैच में 1200 उसके बाद 500 600 इतने अच्छे रिजल्ट देने के बाद लाइक कर दिया करो, अभी के अभी कर दिए ठीक है।